जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज की बड़ी आवाज। नमस्कार, जी न्यूज पर मैं आप सभी के साथ हूँ रिंपा गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आज के बुलेटिन खबरों में। आइए बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण की बैठक हुई राजनंदिनी पैलेस सुमेरपुर में। आगामी निकाय चुनाव एवं 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार बूथ सशक्तिकरण की मजबूती के लिए बहुत ही जोर शोर से बैठक हो रही है, जिसमें गांव कस्बे कस्बे में बने बूथों को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक मंडल एवं प्रवासियों के माध्यम से नवनिर्माण एवं उन्हें मजबूत बनाने का कार्य किया जा रहा है। आज राजनंदिनी पहले सुमेरपुर में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी ब्रज किशोर गुप्ता की उपस्थिति में बैठक की गई। धन्यवाद, बने रहिए जी न्यूज के साथ। स्मारक ध्यान करके फोन करके बताया जा रहा है कि आप कितने जल्दी भेजे, बार बार हमको फोन करके कितना मांग रहे हैं, कितना नहीं दे पा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि पन्ना समिति का कार्य आज ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके इस कार्य को पूर्ण करें। नगर पंचायत के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, इसमें हमारा सहयोग प्रदान करें। प्रमुख है ऐसा 11 लोगों की समिति, हम लोगों को बना करके उनको कार्य का विभाजन करना है। उनके सबके बीच में अपना जो वोटर लिस्ट है उसका पन्ना समिति का पन्ना कमेटी पन्ना प्रमुख बनाना है, वो उनसे अलग रहने वाला है। अपने 20-25 लोगों के स्मार्टफोन जिनके हैं ऐसे सूची बनानी है, मोटर बाइक वालों की सूची बनानी है। ऐसा पूरा अपना अपडेट बूथ का हम लोगों को करके और जो ये वोटर लिस्ट के साथ भेजी जा रही है, क्या काम बूथ में करना है उसका भी पत्रा की किट के साथ भेजा जा रहा है। और वो फार्मा जिसमें सभी बूथों की बूथ बन के आनी होगी, प्रोफार्मा आपके साथ इसमें किट के साथ भेजा जा रहा है। तो अपने जो अल्पकालिक अल्पकालिक विस्तारक है अपने जा करके बूथ में इस अभियान को पूरा करें। दूसरे अपना विधानसभा लोकसभा के बूथ है और ये बूथ अलग है नगर निकाय, इस नगर निकाय के बूथ के वोटर लिस्ट की पन्ना समिति बननी है और जो विधानसभा लोकसभा वाली है उस बूथ का अध्यक्ष, उस बूथ का अध्यक्ष बनना है, पन्ना प्रमुख बनना है। इसके पन्ना की कमेटी 5-6 लोगों की बन गई। ये जो नगर निकाय वाला, ये नगर निकाय चुनाव की तत्काल है, ये अप्रैल महीने में, वो चुनाव 2024 में है, उससे ज्यादा अभी चुकी तत्काल।